वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में शायद मैंने पहले किसी वीडियो में बताया होगा, लेकिन आज। और वो टॉपिक है कि इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं और यूके में किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है ओपन बुक एग्ज़ाम्स और क्लोज्ड बुक एग्ज़ाम्स वाली। इंडिया में जो तरीका फॉलो किया जाता है ना, वो जनरली वो ये तरीका होता है कि क्लोज्ड बुक जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो होते हैं। देखो, मैं मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो मेरे को क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सोर्सेज लेके या फिर कोई एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा हूँ, जो भी है मैं अपने खाली व्यूज़ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है और इसके क्या रीजंस रहे होंगे, तो और मेरे को क्या सही लगता है इसमें। तो चीज़ ये कि जब आप ओपन बुक्स एग्जाम्स देते हो ना, तो आप ट्राई करते हो कि 10 के 10 या फिर जितने भी होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेंड करो, क्योंकि आपको सामने सारे मटेरियल्स अवेलेबल होता है, नोट्स होते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो अगर अकाउंट्स वगैरह का एग्जाम्स है तो, और फिर दूसरे जितने भी सोर्सेज होते हैं आप उन सबका यूज़ करके उसको उनको आंसर करना होता है, ताकि आपकी एबिलिटी चेक की जा सके कि आप बुक्स में से या फिर इतने मटेरियल्स के साथ में भी इनके आंसर्स आप ढूंढ सकते हो या नहीं। दूसरी बात, जब आप ओपन बुक्स एग्जाम्स देते हो तो उसमें क्या होता है ना कि उस दौरान आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हो, तो आप जब उनको वापस से देखते हो तो आपको वो रिकॉल होते हैं जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है। तो उससे आपकी आपको वो जो चीज़ें अच्छे से याद रह पाती हैं, ठीक है। आपको अच्छे से उसका एक्सपीरियंस आता है कि हाँ भाई, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है और ये इस तरीके से हमें आगे भी इसका कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी अगर ऐसे प्रैक्टिकल की बात हो गई या फिर किसी भी थ्योरी की भी बात हो गई, तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा, आप उसको आगे से अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और क्लोज्ड बुक्स एग्जाम्स में आपको हर चीज़ मेमोराइज करनी पड़ती है, हर एक चीज़ आपको याद करनी पड़ती है और फिर देना पड़ता है। ओपन बुक्स एग्जाम्स का मतलब यही होता है कि आपको जो भी चीज़ है उसको तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ या फिर आप उसको अच्छे से समझ पाओ, और फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी पड़े तो आपको वो चीज़ें याद रहे। तो मेरे हिसाब से ये है, और मैं भी सपोर्ट करता हूँ ओपन बुक एग्ज़ाम को, क्योंकि इससे चीटिंग की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और एक हिसाब से देखा जाए तो मैटर ये करता है कि आपको वो चीज़ कैसे करनी है ये बताओ, ठीक है। आपको चाहे कुछ भी याद ना रहे दिमाग में, लेकिन आपको कहाँ से, जैसे इंटरनेट पर आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उस चीज़ को सर्च करके उसको कैसे कर सकते हो, वही एट द एंड ऑफ द डे काम आने वाली। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करके, तो आप जॉब वॉब कर रहे हो, आपको कोई भी टास्क दिया जाता है तो आप करोगे तो उसको सर्च करके, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ से सर्च करोगे और कहाँ से उस चीज़ को देख करके कर सकते हो। अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पर होने वाली है। तो मेरे हिसाब से इतना ही इसमें, और बाकी तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट हो सकती है और यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, तो वो और अलग अलग वीडियोज़ में मैं आपसे बात करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतने। और जो स्टूडेंट्स अकोमोडेशन की बात करते हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एम्बर के स्टूडेंट अकोमोडेशन, वहाँ पर जा करके बुक कर सकते हो, उसकी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो, और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।